लखनऊ के लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनाने वाले मेधावियों को सम्मानित किया। इसमें 117 छात्र यूपी बोर्ड के हैं, जबकि 30 छात्र सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के हैं। इन छात्रों को 1-1 लाख का चेक, टैबलेट दिए गए और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए कि अगले सत्र से यूपी बोर्ड भी एनसीईआरटी पैटर्न पर ही पढ़ाई करवाई जाएगी, ताकि तमाम बोर्ड के बीच जो अंक प्रतिशत का भेदभाव होता है वो खत्म किया जा सके। साथ ही 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के बीच विशेष अभियान चलाकर बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाएगा और उन्हें बस्ता, किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएंगी। सुखद अनुभूति हुई जब मुझे जैसे ही परिणाम सामने आए तो मैंने देखा कि 81 और 82% जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा के परिणाम सामने आए थे और मुझे लगा कि नहीं, ये अच्छा, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में हमारे जो बच्चे हैं वे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत का परिणाम सामने आया है। इसलिए उन सभी मेधावी छात्र छात्राओं को, अपने प्रदेश की उन प्रतिभावान युवा पीढ़ी को सम्मानित किया जाना चाहिए और इसलिए आज का समारोह यहाँ पर किया गया है। मैं आप सबका इस समारोह में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।